हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि आपको ये बिना मल्टीप्लाई किए हुए इनका प्रोडक्ट बताना है। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए प्रोडक्ट हम कैसे बता सकते हैं? हम आइडेंटिटी का यूज करके। तो आइडेंटिटी तो हमने देखा, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100+3 लिख सकते हैं, और इसे 100+7 100 बेस पे थे, हंड्रेड्स के साथ हमने इसे ब्रेक कर लिया। अभी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, देखो बच्चों, x+a x+b, ये आइडेंटिटी बन रही है। ये किसके इक्वल होती है? x² + a + bx + ab के इक्वल होती है। x की जगह 100 लेंगे, a की जगह 3 और b की जगह 7, पुट कर दें इस आइडेंटिटी में। तो 100 का स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस बी, मतलब 3+7 हो गया x, और ए बी की जगह 3×7 हो गया। इसको सॉल्व किया, 1×2 0 स्क्वायर करके ये 4×0 हो जाते हैं, और 7 और 3 10x हो गया। x की जगह 100 है हमारा, है ना, यहाँ पर x की जगह कितनी है वैल्यू, 100। तो 10×100 हो गया, 10×100 का मतलब ये 1000 हो गया, प्लस 21 हो गया। अब इन्हें ऐड करेंगे, 1000 में 21 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1021 हो गया। इसको इसमें ऐड कर देंगे, 1021 ऐड कर रहे हैं हम, तो 11021 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? 100 बेस पे था, तो 100 के बेस पे हमने इसे ब्रेक कर लिया, x+a x+b वाली आइडेंटिटी अप्लाई की, x की जगह 100 है, a की जगह 3 और b की जगह 7, वैल्यू पुट की और इसे कैलकुलेट करके आंसर दिया। 10 हुआ, 10×100 क्या हो गया, 1000 हो गया, और 7 3 20 इसे इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया, इसको जब इसमें ऐड किया तो ये वैल्यू हमारी 11021, दैट्स द आंसर। इसका पार्ट टू देखते हैं। देखो ये भी 100 बेस के है, 100 बेस पे ही है, 100 - 5 100 - 4 100 - 5 100 - 4 जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी x+a x+b फॉर्म दिख रही है हमें, x+a x+b फॉर्म है, तो x+a x+b की फॉर्म है, तो x+a, a की जगह यहाँ पर क्या है, -5 पे आप देख पा रहे हो, x+b, b की जगह क्या है, -4, x की जगह, और ये होता कितना है, x² a + b x + ab, हियर x इक्वल टू कितना, 100, a की वैल्यू कितनी है, -5, और b की वैल्यू कितनी है, -4, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह -5, b की जगह -4 × 100 है, x की वैल्यू 100 है, प्लस ab, a कितना है, -5 -4, समझ में आ रहा है? इसे सिंप्लाई 5 किया तो 20 की मैंने बताया था 40 हो जाएगी, ये कितना हो गया, -9 - 9×100 - 900 हो गया, -900, और 5 × 4 = 20, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो प्लस का 20, 10,000 में से 900 को माइनस करेंगे, तो देखो 10,000 है, 900 को इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 0 0, 10 में से 9 गया 1 और 9, तो कितना आया, 9100, इसमें कितना 28 करना है, तो 9120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट टू हुआ, समझ में आया? इसको हमने अलग से रफ में किया, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया, गॉट इट? लास्ट टाइप देखते हैं, ये भी देखो 100 के अप्रोक्स है, इसे हम लिख सकते हैं 100+4 और 100 - 4, यहाँ पर आइडेंटिटी ये नहीं लग रही है, इधर आइडेंटिटी क्या लग रही है, x+a x - a किसके इक्वल होती है, x² - a² ये आइडेंटिटी इसके इक्वल होती है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 100, और a की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4, x की वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि 1000 और 16,
इसमें से इसको 16 को लेस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं लेस कर देता हूँ, 16 को लेस कर रहे हैं, तो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से बन गया 8, यहाँ 9 और ये भी 9, आंसर हमारा क्या आया 9984। इस तरह से इसका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।